Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 21. हम लोग EDA perform कर रहे हैं और हमने EDA perform करने में सबसे पहले देखा कि what are the basic questions that you can ask once you get the data. Then हमने देखा कि univariate analysis कैसे किया जाता है और फिर हमने finally आज करना है multivariate/bivariate analysis. ठीक है, मतलब अगर आप एक साथ एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर एनालिसिस करते हो दैट इज बाइवेरिएट या फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस. अगर आप दो के ऊपर कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड बाइवेरिएट, दो से ज्यादा के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई फर्स्ट शेयर द स्क्रीन एंड देन आई विल डिस्कस द प्लान फॉर टुडेज वीडियो. ओके, सो अगेन गाइज, मोस्टली व्हाट वी विल डू इज विल डू प्लॉटिंग एंड ऑल, क्योंकि ग्राफ्स प्लॉट करके ही आप मेनली ईडीए परफॉर्म करते हो. आई विल ऑल्सो शो यू सम अदर ट्रिक्स जहां पे हम ग्राफ्स प्लॉट नहीं करेंगे बट स्टिल हम ईडीए परफॉर्म कर रहे होंगे. ठीक है, और आज के वीडियो के लिए आई एम गोइंग टू यूज 4 डिफरेंट डेटा सेट्स, क्योंकि हर ईडीए टेक्निक हर डेटा सेट पे अप्लाई नहीं होती, तो मैं अलग अलग डेटा सेट्स को यूज करूंगा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो मैंने इस पॉइंट पे दो लाइब्रेरीज इम्पोर्ट कर रखी हैं, पैंडास और सीबॉन. अभी तक आपने दोनों देख रखा है और मैंने 4 अलग अलग डेटा सेट्स इम्पोर्ट किए हैं. एक का नाम है, इसका नाम रख देते हैं टिप्स. ये एक बिल्ट इन डेटा सेट है जो सीबॉन के अंदर आपको मिल जाएगा और ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट का डेटा है. यू कैन सी ये एक रेस्टोरेंट का डेटा है जहां पर आपको अलग अलग कॉलम्स में डेटा मिलेगा, लाइक किसी पर्टिकुलर कस्टमर का बिल कितना था, उसने कितना टिप पे किया, उसका जेंडर क्या है, स्मोकर था कि नहीं, कौन से दिन आया, किस टाइम आया, कितने लोगों के साथ आया, इस तरह का डेटा है हमारे पास, इसको हम यूज करेंगे. देन हमारे पास हमारा टाइटैनिक वाला डेटा है जो आप ऑलरेडी जानते हो और सीबॉन में ही और एक डेटा सेट है जिसको हम फ्लाइट्स बोलते हैं. ये बेसिकली यूएस फ्लाइट्स का डेटा है. आई विल क्विकली शो यू कि ये कैसा दिख रहा है. फ्लाइट्स डॉट हेड एंड यू कैन सी ये बेसिकली 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे. यूएस एयरलाइंस में किस ईयर के किस मंथ में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, बस यही डेटा है हमारे पास, छोटा सा डेटा सेट है. एंड लास्टली हमारे पास एक बहुत फेमस डेटा सेट है जिसको हम आयरिस डेटा सेट बोलते हैं, फ्लावर्स का डेटा सेट है. ये भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, आयरिस. एंड यू कैन सी दिस इज द आयरिस डेटा सेट. यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स की स्पीशीज के बारे में डेटा है और डेटा इज गिवन इन 5 डिफरेंट कॉलम्स. पेटल और सेपल लेंथ कॉलम्स है और पेटल विड्थ और सेपल विड्थ 2 और कॉलम्स है. ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है और इसी के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे बाइवेरिएट / मल्टीवेरिएट एनालिसिस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ बाइवेरिएट एनालिसिस. ठीक है, और फिर ग्रेजुअली हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी जहां भी जरूरत पड़ेगी साथ में कर लेंगे. नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, अगर आपके पास 2 अलग अलग कॉलम्स हैं और आपको उन दोनों को साथ में एनालाइज करना है, तो यहां पर भी आप सेम क्वेश्चन पूछोगे कि दोनों कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है. अब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल. तो इन्हीं 3 कॉम्बिनेशंस पे हम अलग अलग प्लॉट्स पढ़ेंगे एज यू कैन सी. ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है वो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन. मतलब आपके पास 2 कॉलम्स हैं और दोनों में जो डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा है. ठीक है, जैसे टाइटैनिक में एज और फेयर. ठीक है, बट मैं टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज नहीं कर रहा इस चीज के लिए, वो आप खुद से जब प्लॉट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है फेयर और एज के बीच में, तो मैंने उसको यूज नहीं किया. इंस्टेड आई एम गोइंग टू यूज द टिप्स डेटा सेट. ये वाला डेटा सेट मैं यूज करूंगा अपना पॉइंट बताने के लिए. यहाँ पे 2 कॉलम्स है, टोटल बिल और टिप, एंड एज यू कैन सी दोनों वैल्यूज यूएस डॉलर्स में है और न्यूमेरिकल है. तो मैं देखना चाहता हूं कि इन दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, और वो रिलेशनशिप आप कैसे निकाल सकते हो यूजिंग अ स्कैटर प्लॉट. ठीक है, स्कैटर प्लॉट आई होप आपने पहले कभी ना कभी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अब आप देख सकते हो. व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट SNS डॉट स्कैटर प्लॉट. यहां पे आपको एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी देनी है वो आप बता सकते हो, और आप बता दोगे हमारे डेटा सेट का नाम है टिप्स और हमारे x एक्सिस पे जाएगा टोटल बिल. ठीक है, और हमारे y एक्सिस पे जाएगा
टिप, और इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे, ये देखो गाइस, ये जो आपके स्क्रीन पर है दिस इज अ स्कैटर प्लॉट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हर डॉट एक कस्टमर को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल बिल और टिप के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, जहां पे जैसे जैसे टोटल बिल बढ़ रहा है साथ ही साथ आपका टिप का वैल्यू भी बढ़ रहा है, और ये एक्चुअली लॉजिकल है। जनरली आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप जितना ज्यादा अमाउंट का खाते हो, आप उसी प्रोपोर्शन में बिल, या आई एम सॉरी, टिप पे करते हो। आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने 10,000 का बिल में 10 रुपए का टिप दिया, जनरली ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो यहाँ पे डेटा में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, बट एक जनरल जो ट्रेंड रहेगा वो लीनियर सॉर्ट ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल बाइवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। अब मैं तुरंत आपको साइड बाय साइड इसी डेटा के ऊपर मल्टीवेरिएट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मल्टीवेरिएट का मतलब जब आप एक साथ दो से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन से कस्टमर्स मेल हैं और कौन से कस्टमर्स फीमेल है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये पावर आपको देता है SNS का स्कैटर प्लॉट फंक्शन। यहाँ पे देयर इज अ हिडन पैरामीटर कॉल्ड ह्यू, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक एडिशनल कॉलम दे सकते हो विच इज द सेक्स कॉलम, हमारे डेटा में ये कॉलम, ठीक है। और आप इसको जैसे ही रन करोगे, नाउ यू कैन सी कि सेम स्कैटर प्लॉट अभी भी आया है, बट हम उसके ऊपर एक और एड ऑन इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, दैट इज कि वो पर्टिकुलर कस्टमर का जेंडर क्या है, ठीक है। सो यहां पर यू कैन क्लियरली सी कि ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट फीमेल कस्टमर्स, वेयर एज ऑरेंज डॉट्स रिप्रेजेंट मेल कस्टमर्स, राइट। और यहां पर आप देख सकते हो कि जनरली जो आउटलायर्स हैं आपके डेटा में, बहुत ज्यादा ज्यादा जिन लोगों ने टिप्स और टोटल बिल पे किया है, वो जनरली मेल है, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सो ये एक तरीके से मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, क्योंकि यहां पे आप तीन अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो आप चार अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में भी बात कर सकते हो। कैसे, यहां पर अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी बता सकता हूं कि इनमें से कौन से कस्टमर्स स्मोकर हैं, कौन से कस्टमर्स स्मोकर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो डेटा में हमारे पास स्मोकर बोल के भी एक कॉलम है। सो अगर मैं नीचे जाऊं और यहां पर एक और हिडन पैरामीटर है स्टाइल, उसमें अगर मैं लिख दूं स्मोकर, तो गाइस ये देखो, अब जो भी क्रॉसेस हैं वो स्मोकर हैं और जो भी सर्कल्स हैं वो स्मोकर नहीं है। जैसे अगर आप इस कस्टमर का बात करो तो ये एक मेल है जो स्मोकर नहीं है, वेयर एज अगर आप इस ब्लू क्रॉस का बात करो तो ये एक फीमेल है जो स्मोकर है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे चार पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक सिंगल पीस ऑफ ग्राफ पे है, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इनफैक्ट इसमें आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो, देयर इज वन मोर हिडन पैरामीटर कॉल्ड साइज, और साइज में मैंने बता दिया डीएफ का साइज, यहाँ पे एक साइज का भी कॉलम था कि उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ कितने लोग आए रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो मैंने वो भी प्रोवाइड कर दिया। और इसको अब जैसे ही मैंने रन किया, यू कैन सी जो बड़ी वैल्यूज हैं, लाइक जो बड़े सर्कल्स या क्रॉसेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्यादा साइज को, और जो छोटे सर्कल्स और क्रॉसेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं छोटे साइजेस को, राइट। अब इस पीस ऑफ ग्राफ में देयर आर 5 डिफरेंट इंफॉर्मेशन बीइंग डिस्प्लेड, दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप, उनमें से कौन जेंडर है, मतलब कौन सा जेंडर है उसमें, स्मोकर्स हैं कि नहीं, और कितने लोगों के साथ आए, 5 अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको राइट देयर, यू आर गेटिंग इट इन वन सिंगल ग्राफ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस, एंड सीबॉन बहुत अच्छा काम करता है ये चीजों को आपको दिखाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज बार प्लॉट, और बार प्लॉट आप तब यूज करते हो जब आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दो कॉलम्स हैं, और उनमें से एक कॉलम न्यूमेरिकल है और एक आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है, ठीक है। अब ये प्लॉट दिखाने के लिए आई यूज द टाइटैनिक डेटा सेट। सो दिस इज द टाइटैनिक डेटा सेट, हमने ऑलरेडी देख रखा है, राइट। अब लेट्स से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मुझे पी क्लास के हिसाब से पता करना है कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन देम, मतलब पी क्लास 1 में एवरेज एज कितना है, पी क्लास 2 में एवरेज एज कितना है, पी क्लास 3 में एवरेज एज कितना है। तो आप इसके लिए बार प्लॉट यूज कर सकते हो बाय राइटिंग दिस कोड। आप x एक्सिस पे जनरली कैटेगरीज को रखते हो और y एक्सिस पे आप न्यूमेरिकल क्वांटिटी को रखते हो, ठीक है। सो आप x एक्सिस पे रख रहे हो
पी क्लास, राइट, और आप वाई एक्सिस पे रख रहे हो आपका एज कॉलम, और सॉरी अबाउट दिस, डीएफ नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज हमारे डेटा फ्रेम का नाम टाइटैनिक है. एक्चुअली बार बार डीएफ रखने से मसल मेमोरी बिल्ड हो जाता है और फिर अकॉर्डिंगली विदाउट सोचे मैं टाइप करने लग जाता हूँ. सो सॉरी अबाउट दैट, टाइटैनिक होगा यहाँ पे. और ये देखो गाइस, यू कैन सी कि अगर आप एवरेज एजेस का बात करो तो पी क्लास वन में एवरेज एज सबसे ज्यादा है, समवेयर अराउंड 38-36. पी क्लास टू में उसके बाद और पी क्लास थ्री में सबसे यंगर पॉपुलेशन ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तो ये एक चीज आपको दिखाई दे रही है क्लियरली, राइट. अब ये जो ब्लैक कलर का आपको ये रॉड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है. अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है वो इस टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक नहीं है. मेरे स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में आप जाकर के कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ सकते हो. इस पॉइंट पे आप उसको इग्नोर करो, जस्ट फोकस ऑन द आउटपुट. ठीक है, आई थिंक इससे इंटरेस्टिंग ये चीज होती कि अगर मैं पता करता कि पी क्लासेस का फेयर के साथ कैसा रिलेशनशिप है. फेयर इज ऑल्सो न्यूमेरिकल क्वांटिटी, सो वॉट आई वुड डू इज आई वुड राइट फेयर, एंड यू कैन सी यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि पी क्लास वन का फेयर बहुत ज्यादा था, अराउंड $80 से भी ज्यादा. वेयर एज अगर आप पी क्लास टू और पी क्लास थ्री का बात करो तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एंड दैट इज वाई पी क्लास वन में पी क्लास टू से ज्यादा लोग हैं. बिकॉज पी क्लास टू में जनरली कोई घुसा नहीं होगा क्योंकि दे मस्ट हैव थॉट कि यार उससे थोड़े कम में पी क्लास थ्री में जा रहे हैं, तो फिर पता नहीं कुछ ऐसा होगा रीजन जिसकी वजह से पी क्लास टू में कम लोग ट्रैवल कर रहे थे. बट यू कैन सी आपको इजिली समझ में आ रहा है कि अलग अलग पी क्लासेस में, पैसेंजर क्लासेस में फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था. ठीक है, अब यहां पर भी आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर सकते हो. आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा सकते हो. लेट्स से मुझे पता करना है कि जेंडर के हिसाब से एवरेज फेयर कितना था हर क्लास में. इन दैट केस यहां पर भी एक ह्यू पैरामीटर होता है जहां पे मैं डाल दूंगा टाइटैनिक सेक्स. और अब आप देखो हर क्लास में ऑन एन एवरेज आपका जो पैसेंजर फेयर है जेंडर के हिसाब से वो आपके सामने है. पी क्लास वन में, पी क्लास टू और पी क्लास थ्री, तीनों में ही समहाउ फीमेल्स का एवरेज इज ग्रेटर देन मेल का एवरेज. ये सेम चीज अगर हम एज के ऊपर करें तो यू कैन सी तीनों ही क्लासेस में ऑन एन एवरेज मेल्स जो ट्रैवल कर रहे थे उनका एवरेज एज वॉज हायर देन देयर फीमेल काउंटरपार्ट्स. ठीक है, तो अगेन यू कैन सी, मतलब मैं अभी आपको सी हम लोग एक्चुअल ईडीए परफॉर्म नहीं कर रहे, रादर देन मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ जिसको यूज करके आप ईडीए परफॉर्म कर सकते हो. इन टूल्स को आपको यूज करना चाहिए अलग अलग डेटा सेट्स में जाकर के. बट फॉर नाउ यू कैन सी कि कैसे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर निकाल पा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पे आपके पास बाईवेरिएट एनालिसिस हो रहा है विथ वन न्यूमेरिकल एंड वन कैटेगोरिकल कॉलम. ठीक है, अगर आपने ये देख लिया तो आपको बॉक्स प्लॉट में भी मैं चीज दिखाता हूँ कि आप कैसे न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल का कंपैरिजन कर सकते हो. लेट्स से आपको एज और जेंडर का कंपैरिजन करना है. जनरली बॉक्स प्लॉट से आप क्या करते थे, एक सिंगल न्यूमेरिकल क्वांटिटी के बारे में एनालिसिस करते थे, 5 पॉइंट समरी, और आपका आउटलायर्स डिटेक्ट करते थे. ये सेम काम आप अक्रॉस कैटेगरीज कर सकते हो. लेट मी शो यू. अगर आप चाहो तो आप मेल और फीमेल का सेपरेट बॉक्स प्लॉट साथ में प्लॉट कर सकते हो. कैसे, ध्यान से देखो, sns.boxplot, यहां पर फिर से आप एक्स एक्सिस में डालोगे अपना कैटेगोरिकल कॉलम विच इज सेक्स, और वाई एक्सिस पे डालोगे अपना न्यूमेरिकल कॉलम विच इज एज. और अब आप इसको रन करोगे, यू कैन सी ये आपका साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट है across the given categories, male and female. So you can see जो outliers हैं वो mostly men में है. ठीक है, women में नहीं है. यहाँ पे भी आपके पास option होता है hue parameter का. अब hue में आप डाल सकते हो कि कितने लोग बचे और नहीं बचे, इनके बीच में कैसा relationship है. So अगर मैं इसको run करूं, survived. So you can see
कि अब जो सरवाइव किए हैं मेल में वो यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा सर्वाइवल है और फीमेल में ओल्डर पॉपुलेशन में ज्यादा सर्वाइवल है. ठीक है, अगेन अब यहाँ पे कुछ कहानी छुपी है, आप बैठ के इसको एनालाइज कर सकते हो, बट ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू वॉज कि आप बॉक्स प्लॉट को भी बाई वेरिएट एनालिसिस, इनफैक्ट मल्टी वेरिएट एनालिसिस के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हो. ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया. प्लीज ट्राई दिस वन, ये इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट इज डिस्ट प्लॉट. हमने पीडीएफ प्लॉट किया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आप वो सेम चीज को भी यूज कर सकते हो. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स से मुझे डिस्ट प्लॉट प्लॉट करना है उन लोगों का जो लोग सरवाइव नहीं किए और उन लोगों का जो लोग सरवाइव कर गए. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिस्ट प्लॉट, ठीक है, और यहां पे अगर मैं डालूं टाइटैनिक और यहां पे मैं लिखूं एज, डिस्ट प्लॉट नहीं होता, डिस्ट प्लॉट होता है. तो ये था हमारा डिस्ट प्लॉट. ठीक है, आई क्विकली चेक यहाँ पे ह्यू पैरामीटर होता है कि नहीं. अगर होता है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम खुद से ये फीचर बना सकते हैं. सो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे. सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं. मैंने लिखा टाइटैनिक सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 0, मतलब वो लोग टाइटैनिक में जो लोग मर गए, और उसमें से मैंने निकाला एक नया डेटा फ्रेम. ये एक नया डेटा फ्रेम है, फिल्टर किया बेसिकली हमने, अगर आपने पैंडास पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा. और उस नए डेटा फ्रेम में से मैंने एज को निकाला, और इसकी जरूरत नहीं है. एंड यू कैन सी गाइस, ये जो आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये उन लोगों का एज का पीडीएफ है जो लोग सरवाइव नहीं किए. अब अगर आप इसको प्लॉट कर दो अक्रॉस उन लोगों के साथ जो लोग सरवाइव कर गए, तो हमें एक बहुत बढ़िया ग्राफ मिलेगा लाइक दिस. सो यहां पर यू कैन सी जो ऑरेंज वाला कर्व है वो आपको बताता है कि मैं एक्चुअली सोच रहा था इसका हिस्टोग्राम को टर्न ऑफ कैसे करना है. आई गेस हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स करने से हो जाता है. जस्ट वन सेकेंड, मैं ये हिस्टोग्राम को फॉल्स कर रहा हूँ, पीछे जो हिस्टोग्राम आ रहा है, सो दैट डिस्ट्रैक्टिंग ना आ रहे. सो या गाइस, ये अपने स्क्रीन पे ग्राफ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है और ये असली मजा है ईडीए का. एक बार देखना, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं. सो ये जो ब्लू कर्व है, ये उन लोगों के एज का पीडीएफ है जो लोग मर गए, और ये जो ऑरेंज वाला है ये उन लोगों के एज का पीडीएफ है जो लोग बच गए. अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडीज आपको दिखाई स्टडी दिखाई देगा. सो अगर आपका एज कम है, मतलब आप बच्चे हो, तो आपके मरने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बचने के प्रोबेबिलिटी से कम है. यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो ब्लू वाला चीज क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, और ऑरेंज वाला क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग. सो बहुत कम एज में योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग इज हायर देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, और ये एक्चुअली लॉजिकल है. टाइटैनिक में यही हुआ होगा, जब टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ होगा तो बच्चों को बचाने की कोशिश की गई होगी, और उसी वजह से डेटा में हमें ये चीज दिखाई भी दे रही है. अब अगर आप थोड़ा आगे जाओ 15 साल ऑनवर्ड्स टिल आई डोंट नो व्हाट इज दिस एज, 20 30 तक अगर आप जाओ, 15 से 30 तक, 15 से 30 तक, 15 सालों में, यू कैन सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग और डाइंग इज लेस, इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग. मतलब इस एज में अगर आप हो तो आपके मरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बचने के प्रोबेबिलिटी से, और ये क्लियरली आपको ग्राफ से समझ में आ रहा है. और फिर उसके बाद अलग अलग एज ग्रुप्स में यू कैन सी ये ग्राफ ऊपर नीचे घूम रहा है. ठीक है, समहाउ बहुत ज्यादा एज में आपके बचने का प्रोबेबिलिटी कम है आपके मरने के प्रोबेबिलिटी से, और इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि जो बूढ़े लोग होंगे वो उतने अजाइल नहीं होंगे, उतने मूव नहीं कर पा रहे होंगे, खुद को बचा नहीं पा रहे होंगे, तो उनके मरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो यू कैन क्लियरली सी अगर आप सही ढंग से ईडीए परफॉर्म कर रहे हो तो आप कितना हिडन स्टोरी निकाल पा रहे हो डेटा के अंदर से, विच इज नॉट पॉसिबल अगर आप डेटा को डायरेक्टली देखो. इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिलेगा. ये इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सही तरीके से ईडीए परफॉर्म करोगे. तो जब मैंने ये पहली बार किया था मुझे बहुत मजा आया था,
और आई होप आपको भी सही लग रहा होगा ये, ठीक है। तो दिस वॉज दिस प्लॉट जहां पे हम एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच वॉज एज और एक कैटेगोरिकल क्वांटिटी जिस सर्वाइव, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देख रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी तक हमने दो तरीके का बाइवेरिएट एनालिसिस किया, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल। अब हम करते हैं कैटेगोरिकल एंड कैटेगोरिकल एनालिसिस, ठीक है। सो अगर आप टाइटैनिक का ही बात करो, मैं फिर से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उस डेटा फ्रेम को। सो अगर आप टाइटैनिक का बात करो तो लेट्स से मुझे अब दो कैटेगोरिकल कॉलम्स के बीच में बात करनी है, जैसे कि मुझे पता करना है कि हर पी क्लास में कितने लोग मर गए और कितने लोग बच गए, मुझे ये निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले तो क्रॉस टैप फंक्शन यूज कर सकता हूँ, पीडी डॉट क्रॉस टैप, और यहां पे मैं पास कर दूंगा टाइटैनिक पी क्लास एंड टाइटैनिक सर्वाइव्ड। अब ये दोनों कॉलम्स गाइस कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं और ये रहा आउटपुट। तो ये बहुत बढ़िया एक छोटा सा डेटा फ्रेम आ गया मेरे पास, जहां पे अगर आप बेसिकली ग्रिड, अगर आप वन का बात करो, पी क्लास वन में 80 लोग मर गए, 136 लोग बच गए। सेकंड का बात करो तो 97 लोग मर गए, 87 लोग बच गए। और अगर आप पी क्लास थ्री का बात करो तो 372 लोग मर गए और सिर्फ 119 लोग बचे, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये दो कैटेगोरिकल कॉलम्स के बीच का इंफॉर्मेशन है। आप अगर चाहो तो इसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो जिसको बोलते हैं हीट मैप। अब यहाँ पे तो यही नंबर से तो आप बहुत क्लियरली इसको विजुलाइज कर सकते हो, कभी कभी ये ग्रिड बहुत बड़ा हो जाता है, 15x15, 20x20। तो उस तरीके की वैल्यूज को एनालाइज करने के लिए हीट मैप्स यूज किए जाते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। अब हीट मैप्स की खासियत क्या है कि आप एक बार में कलर को देख करके समझ सकते हो कि कौन सी वैल्यूज ज्यादा है, कौन सी वैल्यूज कम है। सो यहाँ पर आप देखो लाइटर शेड बता रहा है बहुत ज्यादा नंबर, तो यू कैन क्लियरली सी कि सबसे लाइट शेड इस ग्रिड में है। तो ये कौन सा ग्रिड है, पी क्लास थ्री, जहां पे लोग मर गए, तो ये नंबर बहुत हाई है। सिमिलरली ये नंबर भी बहुत हाई है, और ये नंबर हाई क्या है, ये है आपका पी क्लास वन में बचने वाले लोगों का नंबर। तो दिस इज कॉल्ड हीट मैप, और ये भी बड़ी काम की चीज होती है, ठीक है। ये आप यूज करते हो जब आप दो कैटेगोरिकल कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट या देख रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि हमें सिर्फ नंबर्स मिल रहे हैं, तो नंबर्स से हमें समझ में नहीं आएगा कि परसेंटेज ऑफ पीपल कितने मरे हर क्लास में। मतलब पी क्लास थ्री में ज्यादा लोग मरे, दैट इज फाइन, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पी क्लास थ्री में ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे इसलिए ज्यादा लोग मरे। तो अ बेटर मेजर टू सी कि कौन से क्लास में ज्यादा लोग मरे हैं या कौन सा क्लास ज्यादा डेडली था, ये निकालने के लिए आपको परसेंटेजेस के टर्म्स में बात करनी चाहिए, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप एक और पीस ऑफ एनालिसिस कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स इन पैंडास, तो आपको ये समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय, और मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं ऑन टॉप ऑफ सर्वाइव्ड, और मैं मीन निकाल रहा हूं और उसके अंदर से मैं पी क्लास निकाल रहा हूं। एंड गाइज ये देखो, नहीं, हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी क्लास और फिर उसके अंदर से हमें निकालना है सर्वाइव्ड। ये कोड गाइज आप देखो, यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड एक्चुअली क्या कर रहा है, ये कोड परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहा है सर्वाइवल के, ठीक है, कितने लोग बचे, इस चीज का ये कोड है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे सकता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं विथ 100, तो यू कैन सी पी क्लास वन में 62% पीपल सर्वाइव्ड, पी क्लास टू में 47% पीपल सर्वाइव्ड, एंड पी क्लास थ्री में ओनली 24% पीपल सर्वाइव्ड, ठीक है। सो अब आप परसेंटेजेस के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो एक्चुअली कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे उस क्लास में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास परसेंटेज वैल्यू है। आप चाहो तो इसको प्लॉट कर सकते हो, ये सिंस एक सीरीज है, आप इसको बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो यूजिंग काइंड इज इक्वल टू बार लाइक दिस, ठीक है। तो
अब यहाँ पे आप और भी बहुत तरीके का एनालिसिस कर सकते हो, जैसे अगर आपको पता करना है कि मेल फीमेल में सर्वाइवल कैसा रहा था, तो आप बोल सकते हो सेक्स वर्सेस सर्वाइव, एंड यू कैन सी मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये प्लॉट नहीं कर रहा, या यू कैन सी 74% फीमेल सर्वाइव्ड, ओनली 18% मेल्स सर्वाइव्ड। तो क्लियरली दिख रहा है कि फीमेल को बहुत बचाया गया, बंदे वहां पे लुढ़क गए सारे। आप ये सेम चीज कर सकते हो ऑन एम्बार्क्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेबॉक जाने वाले लोग बहुत ज्यादा बचे, क्वींस नहीं सॉरी शेबॉक, शेबॉक से जो लोग चढ़े थे उनके बचने का परसेंटेज 55, वेर एज क्वींस टाउन और साउथहैम्पटन में सिर्फ 38 और 33% लोग ही बचे। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है शेबॉग और क्वींसटाउन में? प्रोबेबली इसका रीजन ये हो सकता है कि शेबॉग में ज्यादा फीमेल लोग चढ़ी, दिस कुड बी वन रीजन। सेकेंड रीजन कुड बी कि शेबॉग वाले ज्यादातर लोग पी क्लास वन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगेन अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि आप पता करो कि शेबॉग में क्यों ज्यादा लोग बचे, ठीक है? तो दैट इज हाउ यू डू ईडीए। आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, आपको वहां से एक नई कहानी मिलती है, उस कहानी को पकड़ के आप और इन्वेस्टिगेट करते हो। इट इज लाइक बीइंग शेरलॉक होम्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली एंड देन फाइंडिंग आंसर्स टू इट, राइट? तो ये भी एक तरीका है, और यहाँ पे हमने जस्ट अभी किया कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, ठीक है? एक और चीज होता है कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में, और वो होता है क्लस्टर मैप। क्लस्टर मैप क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली चला के दिखाता हूँ। जैसे कि लेट्स से मुझे पीडी डॉट क्रॉस टैब करना है बिटवीन, मैं बार बार डीएफ लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, टाइटैनिक, और यहाँ पे आई विल प्रोवाइड SIBSP सिबलिंग स्पाउस, और यहाँ पे मुझे लिखना है टाइटैनिक सर्वाइव। मुझे इन दोनों कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, सिबलिंग स्पाउस कितने सिबलिंग और स्पाउस ट्रैवल कर रहे थे और सर्वाइव के बीच में। एंड यू कैन सी कि जिनके साथ कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा था, अलोन है, उनमें 398 लोग मर गए, 210 लोग बचे। जिनके साथ एक कोई ट्रैवल कर रहा था, 97 मर गए, 112 बच गए। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक क्लस्टर मैप में इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हो। आप हीट मैप में भी कर सकते हो, बट क्लस्टर मैप एक दूसरा पर्पस सॉल्व करता है। आई विल क्विकली शो यू, दिस इज अ क्लस्टर मैप गाइस, ये जो आपके स्क्रीन पर है दिस इज अ क्लस्टर मैप, एंड यू कैन सी क्लस्टर मैप क्या करता है कि आपके वैल्यूज के बीच में क्लोजनेस बताता है। तो ये बता रहा है कि आपका 4 और 3 वालों का हाल एक जैसा है, वेर एज आपका, अब ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, पेरेंट चाइल्ड के साथ ये रिलेशनशिप देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, यू कैन सी जिनके साथ एक या दो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनका बिहेवियर बहुत एक जैसा है, उनका उनका जो हाल था टाइटैनिक पे मरने और बचने का वो बहुत सिमिलर था, वेर एज जो लोग 6 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे उनका इन दोनों की तरह था सिमिलर, ठीक है? सो बेसिकली ये जो इनको बोलते हैं डेंडोग्राम्स, ये जो है इनको डेंडोग्राम्स बोलते हैं। ये डेंडोग्राम्स एक हायरार्कल रिलेशनशिप कैप्चर करता है आपके डेटा के अंदर, ठीक है? अब इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यूज एक दूसरे से क्लोजर है, ठीक है, किनका बिहेवियर एक दूसरे से क्लोजर है, और ये आपको थोड़ा सा और एडिशनल नॉलेज देता है आपके डेटा के ऊपर, ठीक है? तो आप हीट मैप और क्लस्टर मैप दोनों प्लॉट कर सकते हो व्हेन यू आर डीलिंग विथ कैटेगोरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? सो या द नेक्स्ट वन इज पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट इज एक्चुअली नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्कैटर प्लॉट्स। सो अगर आपको लाइक आपके पास मल्टीपल न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और आपको हर न्यूमेरिकल कॉलम का हर दूसरे न्यूमेरिकल कॉलम के साथ स्कैटर प्लॉट अगर प्लॉट करना है, तो इमेजिन कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा। पेयर प्लॉट यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पेयर प्लॉट को अगर आप कॉल करोगे, पेयर प्लॉट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपके डेटा में कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और उन सबका एक दूसरे के साथ स्कैटर प्लॉट प्लॉट करके आपको दे देगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट पेयर प्लॉट, ठीक है? सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज द आयरिस डेटा सेट, दिस इज द आयरिस आयरिस डेटा सेट, और यहाँ पे ये 4 जो अपने कॉलम्स हैं ये हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स है। अब पेयर प्लॉट क्या करेगा, लेट मी क्विकली शो यू। अगर आप लिखते हो SNS.PairPlot और अगर आप यहाँ पे दे देते हो अपना डेटा सेट पूरा का पूरा, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट
once it is done, aapke screen par you will see a grid of scatter plots. You can see aapke y-axis pe bhi charo numerical columns hain aur aapke x-axis pe bhi charo numerical columns hain. और हर कॉम्बिनेशन का आपके पास स्कैटर प्लॉट है. और जहां भी खुद का खुद के साथ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला देखो, ये जो ग्राफ है ये सेपल लेंथ का, सेपल लेंथ के साथ ग्राफ है, बेसिकली खुद का खुद के साथ है. तो वहां पे उसने स्मार्टली क्या किया, हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया, बिकॉज आपके पास दो क्वांटिटीज नहीं है, एक ही क्वांटिटी है, तो हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया. अब ये बहुत काम का है, आप एक नजर में देख सकते हो कि डेटा में क्या चल रहा है. इनफैक्ट यहां पर एक और चीज कर सकते हो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस करने के लिए, आपके पास ह्यू पैरामीटर है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये चौथा कॉलम पास कर सकते हो, पांचवा कॉलम, आई एम सॉरी, आप यहाँ पे इसको जैसे ही पास करोगे और रन करोगे, फिर से थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब आपको कलर एनकोडेड स्कैटर प्लॉट मिल रहा है. जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर आप बात करो तो ये है बिटवीन पेटल विड्थ एंड सेपल लेंथ. एंड यहाँ पे तीन कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फ्लावर के तीन स्पीशीज, ब्लू इज फॉर सेटोसा, ऑरेंज इज फॉर वर्सी कलर एंड ग्रीन इज फॉर वर्जिनिका. एंड यू कैन क्लियरली सी कि आप इन दो क्वांटिटीज को यूज करके इन तीनों फ्लावर्स को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज वॉट पेयर प्लॉट डज. ये सेम चीज को आप टाइटैनिक वाले के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो. मैंने जानबूझ के वहां पे नहीं किया क्योंकि वहां पे उतने न्यूमेरिकल क्वांटिटीज नहीं है, बस एज और सर्वाइव्ड है. बट अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जहां पे आपके पास खूब सारे न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हैं और आप एक साथ एक बर्ड आई व्यू देखना चाहते हो कि कौन सा स्कैटर प्लॉट मेरे काम का है, यू कैन यूज पेयर प्लॉट. ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया. अब एक लास्ट चीज बची, दैट इज लाइन प्लॉट. ठीक है, लाइन प्लॉट न्यूमेरिकल वर्सेज न्यूमेरिकल डेटा के बीच में होता है, बट लाइन प्लॉट एक स्पेशल चीज है. इट्स बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट के अगर आप सारे पॉइंट्स को जोड़ दो तो दैट इज अ लाइन प्लॉट. अब लाइन प्लॉट आपको तब यूज करना चाहिए जब आपके पास एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो टाइम बेस्ड नंबर है. या तो वो टाइम है, या तो डेट है, या तो ईयर है, या तो मंथ है, कुछ भी है, वो टाइम बेस्ड है, मतलब आगे बढ़ रहा है. तब उस तरह की चीजों के लिए आप लाइन प्लॉट यूज करते हो. आई गेस आपने देखा होगा कोविड के नंबर्स या फिर किसी शेयर का फ्लक्चुएशन. तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. फ्लाइट्स हमने डेटा सेट यूज किया है, ये है ईयर और मंथ और नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं. अब लेट्स से मुझे ईयर वाइज पता करना है कि हर साल कितने पैसेंजर्स ट्रैवल किए, इसका मुझे एक लाइन प्लॉट बनाना है. तो व्हाट आई वुड डू इज, सिंस हर ईयर का 12 वैल्यूज है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, what I would do is I would first write this piece of code, flights dot group by on top of year, और मैं इसके ऊपर लगाऊंगा sum, और ये बन गया guys मेरा data set. और इसको मैं reset index कर दूंगा like this, and guys ये रहा मेरा data set. यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 1949 से लेके 1960 तक का डेटा है और हर साल टोटल पैसेंजर्स का नंबर मेरे पास है. इसको मैं न्यू बोल के एक डेटा सेट में, डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेता हूँ. अब मुझे बस क्या करना है, मुझे लिखना है SNS डॉट लाइन प्लॉट. मुझे एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी पास करनी है जो टाइम बेस्ड है, वो होगा ईयर, और मुझे वाई एक्सिस पे पास करना है वो क्वांटिटी. And this is the graph, guys. So you can see आपका जो behavior है इस data का, वो clearly show कर रहा है कि US airline linearly grow कर रही है in the period of 1950 to 1960, क्योंकि एक linear growth आपको clearly दिखाई दे रहा है. At times थोड़ा सा steep हो रहा, मतलब थोड़ा सा कम है वो growth, कुछ भी reasons हो सकते हैं यहाँ पे भी कुछ भी reasons हो सकते हैं. But you can see the behavior is mostly linear. ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको जल्दी से दिखाता हूँ. मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जब आप हीट मैप प्लॉट कर रहे हो तो आपके पास जब खूब सारी वैल्यूज होती हैं तो देखने में मजा आता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला डेटा सेट के ऊपर, फ्लाइट्स वाले डेटा सेट के ऊपर हीट मैप प्लॉट कर सकते हो. कैसे, लेट मी शो यू. आप क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे
आप लिखोगे flights डॉट pivot table. यहाँ पे आपको तीन चीजें पास करनी होती हैं, आपको पास करना होता है वैल्यूज, तो वैल्यूज होगा पैसेंजर्स, उसके बाद आता है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब आपके रोज, यहां पे आ जाएगा मंथ, और उसके बाद आता है कॉलम्स, और कॉलम्स में आ जाएगा ईयर, राइट। एंड अगर मैं इसको रन करूं तो गाइस ये देखो, ये सेम डेटा सेट का मैंने एक पिवट टेबल बना दिया, जहां पे किसी भी ईयर में किसी भी मंथ में आप पूछ सकते हो कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहां पे अगर आप इस तरीके से देखो इस नंबर को, तो यू कैन नॉट एक्चुअली सी कि व्हाट आर द पैटर्न्स, बट इस तरह की चीज में आपको हीट मैप बहुत यूजफुल दिखाई देगा, हीट मैप। और अगर आप इसको रन करो ना, यू कैन सी हीट मैप कितना इजीली हमें चीजें बता रहा है। यू कैन क्लियरली सी लाइटर शेड मतलब ज्यादा कस्टमर्स, तो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है यू कैन सी एक लाइटर शेड अक्वायर हो रहा है, मतलब ज्यादा कस्टमर्स ट्रैवल कर रहे हैं आगे आगे के सालों में। और अगर आप मंथली बात करो तो हर साल में यू कैन सी कि जो समर मंथ्स हैं बीच वाले जून जुलाई अगस्त, यहां पे सबसे ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ नंबर देख के समझ में नहीं आता, ठीक है। अब सिमिलरली आप यहां पे क्या कर सकते हो, क्लस्टर मैप ड्रॉ कर सकते हो, और क्लस्टर मैप क्या करेगा, आपको उन मंथ्स को एक साथ लाके रख देगा जो सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर नोटिस करो तो जनवरी फरवरी एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, फरवरी नवंबर और भी एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके समर वाले जो मंथ्स होंगे ये देखो समर वाले मंथ्स जुलाई और अगस्त एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, जून और सितंबर एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, और इन दोनों का कलेक्शन इन दोनों के कलेक्शन के साथ एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, एंड सेम विद ईयर्स। सो यू कैन सी 1959 और 1960 एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लस्टर मैप बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपको काफी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो या गाइस ये आपके टूल्स हैं जो आप यूज करते हो व्हाइल डूइंग ईडीए विथ बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। और अगेन मैं हर वीडियो की तरह आपको एक ही सजेशन दूंगा कि ये जो डेटा सेट्स मैंने आपको दिए हैं, मैं यूज जो कर रहा हूँ, आप इनको पकड़ो और एंड टू एंड एनालिसिस करो। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ये, मैं आपको बस पढ़ा सकता हूँ कि क्या क्या टूल्स हैं, बट कैसे करना है और अपना स्टाइल जो डेवलप करना है ईडीए करने का, वो आप ही कर सकते हो। सो प्लीज डू इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल एक बहुत अच्छा टूल पढ़ेंगे जिससे इसमें से बहुत सारी चीजें हम ऑटोमेट कर पाएंगे, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।